जालौर जिले के रामसिंह थाना क्षेत्र के मांडोली गांव के पास एक सुनसान जगह पर एक युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। मृतक की पहचान गणपत सिंह उम्र 42 वर्ष पुत्र रण सिंह राजपूत के रूप में हुई है, जो मांडोली का ही निवासी था। गणपत सिंह के सिर पर गहरी चोट के निशान पाए गए हैं, जिससे उसकी हत्या की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस पूरे मामले पर रामसिंह थाना प्रभारी कमल किशोर ने बताया कि मृतक के भाई कल्याण सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराई है, जिसमें उन्होंने बताया कि उनका भाई गणपत सिंह मंगलवार शाम को अपने घर से किराने की दुकान के लिए निकला था। गणपत सिंह ने अपनी दुकान पर पहुंचकर अपने छोटे बेटे को वहां बैठा दिया और किसी काम से बाहर चला गया, लेकिन देर रात तक वे घर नहीं लौटा। परिजनों ने रात भर उसकी तलाश की, लेकिन वे नहीं मिला। बुधवार सुबह करीब 7 से 8 बजे के बीच गणपत सिंह का शव मांडोली से सिकवाड़ा मार्ग पर सुनसान जगह पर उसकी बाइक के पास मिला। घटना की जानकारी मिलते ही जालौर एसपी ज्ञानचंद यादव, भीनमाल डीएसपी अनराज सिंह, जालौर एएसपी रामेश्वर लाल और रामसिंह थाना अधिकारी कमल किशोर पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और हत्या का मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। इस पूरे मामले पर गणपत सिंह के भाई कल्याण सिंह ने बताया कि गणपत सिंह शाम को रोटी खाकर 7 बजे घर से अपने किराना दुकान के लिए निकला था। वे दुकान पर अपने छोटे बेटे को बिठाकर किसी और काम के लिए निकल गया, लेकिन देर रात तक वापस नहीं लौटा। परिजनों ने रात भर उसकी तलाश की, लेकिन सुबह गांव से करीब 1 किलोमीटर दूर गणपत सिंह का शव मिला। अब पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। पुलिस इस घटना के पीछे के कारणों का पता लगाने में जुटी है। मृतक के परिजनों और स्थानीय लोगों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस को उम्मीद है कि जल्द ही इस मामले का खुलासा होगा। फिलहाल गांव में भय और चिंता का माहौल है। रात को बाहर निकला था 8 बजे। उसके बाद मैं उनके घर वाले का मेरा फोन आया, मेरे पे बोला कि वो बच्चा दुकान पे बैठा है, तो इसीलिए आप जाओ वो बंद करके आ जाओ। वो आए नहीं अभी तक। फिर मैं दुकान बंद करके वापस ढूंढने निकला, माँ महादेव देखा, खेड़ा सोराया पे देखा और बस स्टैंड पे देखा, हमारे बेरे पे देखा, नहीं मिला मेरे को। फिर मैं 1 बजे जाके सो गया। फिर सुबह में मेरे को बस स्टैंड गया मैं, और लगभग मेरे को 7 बजे किसी लोगों ने बताया कि वहाँ एक आदमी पड़ा है बाइक। मैं आके देखा तो मेरा बाइक